जलील करने की शुरुआत करी तो पूरा कर ही देते हैं अभी, है ना दोस्तों। अच्छा ये जो है मैंने देखिए शहबाज शरीफ का ट्वीट, ये देखिए शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में क्या कहता है। टर्की में हुआ दोस्तों ब्लास्ट, टर्की में ब्लास्ट हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट दागा है। मैं आपको शहबाज शरीफ का ट्वीट पढ़ूंगा और फिर मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्वीट कराया। शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आई हैव लर्नड विद डीप एंग्विश अबाउट द एक्सप्लोजन एट पॉपुलर इस्तिकलाल एवेन्यू इन द हार्ट ऑफ इस्तानबुल। गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू द ब्रदरली पीपल ऑफ तुर्की एट द लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स एंड सेंड प्रेयर्स फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। अच्छा इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत बात कर दी, ठीक बात है, किसी के यहाँ बुरा हुआ है तो आप जाहिर है आप शोक मनाएंगे, आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उसको, क्या बुरा हुआ आपके साथ। ये ऐसा है शहबाज शरीफ कि यहाँ पे भी ना इस बुरे मौके में, इस वहाँ पे मेरे हिसाब से शायद वो टेरर अटैक ही होगा क्योंकि ब्लास्ट वगैरह हुआ है, यहाँ पर भी इसकी नज़र एर्दोगान की जेब में, एर्दोगल गाजी की तलवार लेके एर्दोगान की जेब काट के निकालेगा। ब्रदरली रिलेशंस, ये ब्रदरली रिलेशंस क्यों कह रहा है, क्योंकि मुसलमान मुल्क है, ये भी मुसलमान मुल्क है, तो तुम हमारे मुसलमानों के साथ भाई हुए, लाओ पैसा, ठीक है। ये ब्रदरली चाइना को भी कहते हैं, चाइना ने कभी इनको ब्रदरली नहीं बोला लेकिन ये चाइना को ब्रदरली बोलते रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया का मैं बताता हूं, अरिंदम बागची, एक तो इंडिया में प्रधानमंत्री नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं, स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बोला अरिंदम बागची, इंडिया कन्वेज इट्स डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ तुर्की ऑन द tragic loss of lives in the blast that took place in Istanbul today. Our sympathies are also with those who sustained injuries. We wish them a speedy recovery. Smart, cool, professional, koi halla halla nahi, koi brother sister nahi, kuch nahi. Ye jis mulk se paisa mangte hain Pakistani, damad ban jate hain, fir baith ke isko khilao. Ye brotherly jo likha hai na isme, main bata raha hu isme bahut badi chabi hai paisa mangne wali. Aap sochenge major, तिल का पहाड़ बना रहा है, ऐसा नहीं है, ये तिल का ताड़ होता है, जो भी होता है, मैं वो तिल का ताड़ ओब्लिक पहाड़ नहीं बना रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पैसा मांगने का चक्कर है, ब्रदरली ब्रदरली, ये बहुत बदमाश है शहबाज शरीफ, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब हम आते हैं इमरान खान, इमरान खान ने क्या काम करा है, लाले दीजान इमरान खान, अरे लाले दीजान इमरान खान शेर हो गया। देखिए इमरान खान ने क्या करा है कि आई थिंक 2014-2015 में ये फिर से अपना लॉन्ग मार्च कंटेनर, ये जो इमरान खान करता है ना, जिसमें इमरान खान चैंपियन है, इमरान खान ने वही काम करा था और शी जिनपिंग को इसने पाकिस्तान आने से रोक दिया। वो भी आ रहा था बेचारा, कुछ पैसा वैसा देकर जाता है इनको, लेकिन उसने मना कर दिया, मना इन द सेंस कि उसने ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग को फोन करके बोला कि बॉस आप मत आओ, उसने ऐसा माहौल कर दिया कि वो आ ही नहीं पाया, तो मना ही हो गया उसका। वो उस दिन का झटका था और आज का झटका है जिससे पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाया। जो बिरादर मुल्क शहद से मीठी, आसमान से ऊंची और पहाड़ से गहरी और ऊंची, नाले से गंदी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, उससे पाकिस्तान कभी नहीं उधर पाया। अब इस भाई ने क्या करा है कि इमरान खान ने जो मोहम्मद बिन सलमान था प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया और वली अहद भी है वो क्राउन प्रिंस, उसने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया, उसने भी पोस्टपोन कर दिया, उसने बोला यार ये लोग पागल वागल हैं, पता नहीं क्या पत्थर वत्थर फेंकते हैं, कुछ कर दें ये लोग, ये कर दिया उसने। तो इमरान खान की वजह से दो बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। एक पहले नहीं आया शी जिनपिंग 2014-2015 में, जब भी ये कंटेनर के ऊपर दंदन आ रहा था, अभी फिर कंटेनर के ऊपर दंदन आ रहा है, फिर वो मोहम्मद बिन सलमान। एक मुल्क में जहां पे अफरा तफरी है, वहां पे एक आर्मी चीफ जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे पूरे मुल्क में आग पेट्रोल डाल के छिड़क रहा है, उस मुल्क में कौन आना पसंद करेगा। फिर पाकिस्तानी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी जी 12 अरब की, अरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है भाइयों, अगर कोई 100 रुपए डालता है तो चाहता है कि 102-105 रुपए उसके वापस आए, 110 रुपए वापस आए, किसके पैसे पाकिस्तान से वापस आए, तो अंधा कुआं है, डालते रहो पैसा गायब हो। इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, यहां पे पाकिस्तान में ज़कात है, दिया भूल जाओ, ठीक है, वो नेकी कर दरिया में डाल वाला चक्कर है, जिसको नेकी करनी है पाकिस्तान को पैसे दो भूल जाओ, ना वो पैसे वापस आने वाले, ना पाकिस्तान कभी जबान पे लेने वाला कि हम वी ओ यू मनी, दैट इज नॉट गोना हैपन। तो इमरान खान ने बहुत बढ़िया काम करा है हमारे लिए, इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को भी भगा दिया।
तो अब वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा, हो सकता आगे कभी आ जाए मे बी, बट अभी नहीं आ रहा। जो डेट्स उसकी थी आई थिंक 20-21 तारीख की कोई डेट थी, अब नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक कि आएगा नहीं आएगा। मैंने तो कोई ऐसा बड़े आदमी से, कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से कोई स्टेटमेंट नहीं सुना कि मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों ने वही जो है ना बिलियन डॉलर टीम, रमीज राजा, छोटे में पागल हो जाना बिल्कुल, वही इन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय आ रहा है, हाय हाय, बिल्कुल इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने ढिंडोरा पीट पीट के कि वो आ रहा है, बस आ रहा है, बस आ रहा है, इतने पैसे लेकर आ रहा है, जी तुम भी मालपुआ खाना, मैं भी रबड़ी खाऊंगा। आपस में पैसे आए नहीं, पैसे